अब मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग चाहो तो पहले ये नोट डाउन कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गारंटीड फंडामेंटल, डेफिनेटली आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, गारंटीड फंडामेंटल राइट्स है। देन नंबर टू, ऐसे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है बट ये क्वेश्चंस इस पर ज्यादातर आएंगे आपको। देन नंबर टू आपका प्रीएम्बल, देन नंबर थ्री आर्टिकल 14, 21, देन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, कमेंट्स शुरू हो चुके हैं, जो कमेंट्स आपको ग्रुप पर नहीं डालने वो कमेंट्स शुरू हो चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप अगर मेरे साथ रहोगे तो ही मैराथन अच्छा होगा, आई होप सबकी एक्सपेक्टेशन वही है। गारंटीड फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, आर्टिकल 14, 21, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, लेजिस्लेटिव लिस्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन, भाई ये किन के लिए है? जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखने में दिक्कत आती है, तो ये वो आर्टिकल्स और ये वो प्रोविजंस है जहां पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है। जिन लोगों को हर एक क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं तो इन प्रोविजंस पर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको इसमें और पॉइंट्स बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है, बट अब हमारे मैराथन की शुरुआत करते हैं। एक बार सब लोग मेरे साथ जय माता दी बोलेंगे, जय माता दी, JMD, जय माता दी कमेंट करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जय माता दी कमेंट करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अरे दोस्तों जब मैं बोलूं तब कमेंट करना है, एकदम सीरियस माहौल में नहीं बैठना है। जब पढ़ा रहा हूं तब सीरियस, जब आपको पूछा है कुछ कमेंट करने के लिए तो डेफिनेटली कमेंट करना। यस, जय माता दी। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा प्रीएम्बल का पार्ट। तो प्रीएम्बल क्या कहता है? प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट और पर्पस बताता है कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन आया क्यों। और प्रीएम्बल के अंदर हम लोग पढ़ते कि हमारा इंडिया एक सोवरिन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। अब मैं जब कहता हूं सोवरिन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो आपके पास जो नोट्स है उस नोट्स के अंदर क्लियरली मेंशन है कि सोवरिन का मतलब है सुप्रीम पावर। देखो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सोवरिन सुप्रीम पावर, हमारे यहां पर सुप्रीम पावर गवर्नमेंट के हाथ में है। जहां तक इंडिया का सवाल है इट इज द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जहां तक स्टेट का सवाल है इट इज द स्टेट गवर्नमेंट। सो दे आर द सोवरीन एज फार द सोवरीन सुप्रीम पावर इज कंसर्न। जब हम सोशलिस्ट कहते हैं तो भारत में जब भी हम गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज को देखते हैं तो पॉलिसीज जो बनते हैं गवर्नमेंट के, पब्लिक पॉलिसीज, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटायर सोसाइटी, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से सोशलिस्ट पॉलिसीज एक्सपेक्ट करता है। सेक्युलर जब मैं कहता हूं तो आप डेफिनेटली आपके नोट्स में वहां पर जरूर लिखना, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं वही कहूंगा सबको कि जिन स्टूडेंट्स का भी अगर मान लो मैराथन देखते हो जिनके पास नोट्स नहीं है, आप प्लीज आपको सेकेंड हाफ में लिंक के अंदर नोट्स मिल जाएंगे, या कोई फ्रेंड है उससे नोट्स लेना। अभी आप मेरे साथ बने रहो, चिपके रहो। मैं अब अगेन कह रहा हूं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है ये कमेंट मत करो, मुझे ध्यान इस पर रखना है और आपको भी ध्यान पढ़ाई पे रखना है। हम लोग मैराथन के लिए इकट्ठे हुए, यस और नो तो मुझे बोलो। जब मैं सेक्युलर कहता हूं तो सेक्युलर में मैंने क्या लिखा है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर, व्हाई इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, बिकॉज वी हैव नॉट अडॉप्टेड एनी रिलीजन एंड वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। कोई भी धर्म समुदाय का व्यक्ति इंडिया में रह सकता है, नो रिलीजन हैज बीन अडॉप्टेड। जब डेमोक्रेटिक हम कहते हैं तो हम कहते हैं एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज इक्वल राइट। व्हाट इज दैट राइट? राइट टू वोट वेन एवर ही अटेन्स 18 ईयर्स और अबव। और उसको ये राइट टू वोट कितने साल के लिए है? जब भी 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर,
पंचायत लेवल पे, हर एक लेवल पर जहां पे इलेक्शंस होता है डेमोक्रेसी में, वहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया के पास राइट टू वोट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, जिसको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। रिपब्लिक को हम कहते हैं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये स्टेटमेंट आपने अक्सर आपके हिस्ट्री और सिविक्स की बुक में भी पढ़ा होगा बचपन में स्कूल में। हम कहते हैं इंडिया इज अ सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, अगर कल को सवाल आ गया व्हाट इज प्रीएम्बल, व्हाट इज प्रीएम्बल, तो आपको लिखना है प्रीएम्बल इज द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवरियन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, और इन पांचों को आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने दिया है। एट द सेम टाइम हम कहते हैं प्रीएम्बल सिक्योर्स पॉइंट नंबर थ्री में ऑल सिटीजंस क्या जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन चारों के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूं, बिकॉज स्टूडेंट्स आप देखना जस्टिस मतलब क्या, तो जस्टिस में आप लिखना वहां पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। भाई समाज में, सोसाइटी में, आर्थिक रूप में या पॉलिटिकल रूप में कोई भी धर्म समुदाय का व्यक्ति अगर आता है तो उसको इक्वल जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। जस्टिस मतलब क्या, किसी भी धर्म का व्यक्ति पॉलिटिक्स में आ सकता है, ऊंच नीच नहीं होगा इकोनॉमिक वे में, और सोसाइटी में सब लोग सेम रहेंगे। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को इंश्योर करता है, अश्योर करता है। लिबर्टी में हम कहते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड लिबर्टी टू वर्शिप, लिबर्टी टू वर्शिप। ओके, अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो नोट्स के पेज नंबर 22 पर ये चार्ट है। जिनके पास नोट्स नहीं है और जो अभी इस फोरम पर देख रहे, अभी थोड़े देर के लिए पेशेंस रखो, मैं आपको जैसे हमारा एक थोड़ी देर के बाद ब्रेक होता है उस वक्त ये लिंक अपलोड कर लूंगा हमारे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर जहां से आप डाउनलोड कर पाओगे, बट अभी आप मेरे साथ बने रहो। मैं आपको कह रहा हूं लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप। भाई हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हमारे पास हमारा फ्रीडम है ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, हम किसी पर भी भरोसा रख सकते हैं। बिलीफ जब आता है तो कोई तिरुपति बालाजी पर भरोसा रखेगा, कोई शिरडी साई बाबा पर भरोसा रखेगा, कोई किसी दरगाह पर भरोसा रखेगा, तो लिबर्टी उसमें है हर सिटीजन के लिए। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आप लिखना वहां पर इक्वालिटी बिफोर द लॉ फॉर स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर एक व्यक्ति को इक्वलिटी रहेगा। जस्ट बिकॉज ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन उसको उस पर्टिकुलर जॉब में नहीं लेना, ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ये इक्वलिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इक्वलिटी फॉर स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। कोई गरीब है या कोई अमीर है, दोनों कानून की नजर में इक्वल है, संविधान की नजर में इक्वल है। एंड फ्रेटर्निटी हम कहते हैं, फ्रेटर्निटी मतलब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। भैया एक इंडिविजुअल का जो डिग्निटी है ना, जैसे आपने अक्सर सुना होगा फोन टैपिंग होता है, तो अगर किसी व्यक्ति के या किसी का वीडियो शूटिंग हो रहा है, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी अगर अफेक्ट हो रही है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। एंड एट द सेम टाइम हम कहते हैं यूनिटी, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी भी कह सकते हो आप, यूनिटी एंड सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भैया भारत के अंदर एकता, एकात्मता बनाए रखना, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेटर्निटी के तहत क्या करता है, इंश्योर करता है, जिसको हम कहते हैं भाईचारा। तो अगर कल को सवाल आता है व्हाट इज प्रीएम्बल, आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि प्रीएम्बल को लेकर जब सवाल आएगा तो हमें पॉइंट नंबर वन प्रीएम्बल को बताना है ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। फिर प्रीएम्बल हमें कैसे सोशलिस्ट सोवरीन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के बारे में बोलता है वो एक्सप्लेन करना है, और फिर प्रीएम्बल हमें हर सिटीजन को क्या इंश्योर करता है वो एक्सप्लेन करना है। आई होप सब लोग क्लियर है। प्रीएम्बल पर सवाल आता है तो क्या लिखना है, सबको समझाए तो थम्स अप करो, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्विकली।
जब मैं कहूं तब कमेंट करना है। नोट्स जिनके पास है अच्छी बात है, पेज नंबर 22 पर, जिनके पास नहीं है आपके किसी फ्रेंड से ले लो, और अगर आप लाइव हो तो थोड़ी देर वेट करो, मैं आपको ब्रेक में वो नोट्स अपलोड कर लूंगा। जो नोट्स मैंने ग्रुप पर भेजे उसके पेज नंबर 22 पर ये हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 22। ओके, तो प्रीएम्बल पर सवाल आने पर सबको आंसर क्या लिखना है वो समझ में आ गया। अब ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन आंसर पैटर्न में क्यों बता रहा हूं, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आने पर आंसर क्या होना चाहिए तब सोचते हैं। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आने पर आंसर क्या लिखना है वो सोचना है, वही अगर हम पढ़ाई करते हो करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में मदद होगी, और इसलिए हम उस क्वेश्चन आंसर पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जब एक सवाल आता है कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली फेडरल बट विद सर्टन यूनिटरी फीचर्स, तो यहां पर भी आपको याद रखना है, हम कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का कॉम्बिनेशन है, इट इज नॉट प्योरली फेडरल नॉट प्योरली यूनिटरी। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो भैया जब फेडरल को हम कहते हैं तो फेडरल में मैं कहता हूं, वहां पर आप मेरे साथ लिखना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम फेडरल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। हम कहते हैं डैड नॉर्थ वेस्ट साउथ घूमकर आ गए, ईस्ट बाकी है। डैड नॉर्थ वेस्ट साउथ मतलब क्या? फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कहते हैं वी हैव ड्यूअल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट। वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कुछ पावर सेंट्रल के हाथ में है कुछ स्टेट के हाथ में है, ये आपने यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के तहत देखा है। वी हैव अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, कोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, कोर्ट का कहना गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा। वी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना आसान नहीं है, जो आसान नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, और हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, दैट इज मदर ऑफ ऑल द लॉज, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो इन राइटिंग में होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर, ये छह कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए, याद कैसे रखना है, डैड नॉर्थ वेस्ट साउथ, डी स्टैंड फॉर ड्यूअल गवर्नमेंट, अगेन ए स्टैंड फॉर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डैड हो गया नॉर्थ में, एन आ गया नॉट इजी टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, डब्ल्यू आ गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एस आ गया सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। ये सिक्स फीचर्स फेडरल कैरेक्टरिस्टिक के, सबको समझे है क्या? कमेंट करो, थम्सअप करो। कमेंट करो, थम्सअप करो, आपका कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं। ओके, अब जब यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना, सर आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली फेडरल, क्या दिया, बेसिकली फेडरल बट विद सर्टन यूनिटरी फीचर्स, बेसिकली फेडरल बट विद सर्टन यूनिटरी फीचर्स, जब हम कहते हैं तो यूनिटरी फीचर्स मतलब क्या वो समझ लो पहले। यूनिटरी फीचर्स में अगेन एक एक्रोनिम है, ध्यान रखना सिलेबस के अंदर जब हम कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं उस कंसेप्ट को एक्रोनिम से लिंक करो, आपको एग्जाम में सारे पॉइंट लिख पाओगे। हम कहते हैं सर पांच पॉइंट है तो तीन ही लिख पाता हूं, चार ही लिख पाता हूं, उसको निमोनिक और एक्रोनिम में कन्वर्ट करो। यहां पर यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक सारे छह कैसे याद रखना है मैं वहां पर भी कहता हूं, पापा प्रे प्रे कि मैं सीएस बन जाऊं, क्या बात है सर, यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को इस तरह से मैंने लिख कर दिया आपको। अब पापा में हम कहते हैं पार्लियामेंट Have a legislative supreme power. Legislative मतलब क्या भैया, लॉ बनाने का सुप्रीम अधिकार पार्लियामेंट के पास है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद अगर कोई भी लॉ अगर इंडिया में बनाना है तो उसे पास करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट चाहो तो स्टेट लॉज के अंदर भी इंटरफेयर कर सकता है, पार्लियामेंट कैन इंटरफेयर इन द स्टेट लॉज। ये अगेन मैं कह रहा हूं, आप लोग यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के अंदर पढ़ते हो, पार्लियामेंट हैज द लेजिस्लेटिव सुप्रीम पावर, पार्लियामेंट कैन इंटरफेयर इन द बोलो स्टेट लॉज। पापा हो गया, प्रे पे प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, देयर इज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन सबको कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट। सुबह से चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, पापा प्रे पे। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू डायरेक्शंस टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंस। अभी फिलहाल में आप देख रहे होंगे जीएसटी को लेकर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में माथापिची चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि भैया जब जीएसटी कानून लाया था उस वक्त गवर्नमेंट ने हमें प्रॉमिस किया था कि हम जीएसटी में इतना पैसा आपको हर साल देंगे, गवर्नमेंट ने उतना पैसा नहीं दिया है। इसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है, मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही है। क्यों भाई? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंस।
तो प्लीज ध्यान रखना, जब हम कहते हैं फेडरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो फेडरल में जब ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब क्या, ध्यान रखना हमारे यहां पर गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, कुछ पावर्स कोर्ट के पास है। कोर्ट इज द अथॉरिटी ऑफ द अथॉरिटी, किसके पास है, कोर्ट के पास है, मतलब गवर्नमेंट के भी ऊपर कौन है, कोर्ट है। तो जब हम कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब दो गवर्नमेंट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब कुछ पावर्स यूनियन के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर राजेश। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यूनियन लिस्ट वन, यूनियन लिस्ट वन के बाद स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट जो लिस्ट टू में है कुछ पावर स्टेट के पास है, यूनियन लिस्ट वन के तहत कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। राजेश पॉइंट क्लियर बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली फेडरल बट विद सर्टन यूनिटरी फीचर्स। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। क्लियर है तो थम्स अप करो। अगर सवाल आता है तो आपको दो तरह से आ सकते हैं, एक तो इस तरह से आएगा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली फेडरल बट विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स, या सेकंड आएगा डिस्टिंक्शन बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अगेन बता रहा हूं सवाल कैसे आ सकता है, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अरे क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, थम्स अप करो भाई। क्लियर है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वो अगर क्लियर है तो प्लीज जब भी मैं आपको बोलूं थम्स अप करते जाओ, तो हम फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट में, वो है स्टेट। ओके हम आएंगे अब गारंटीड फंडामेंटल राइट्स में, सीक्वेंस में अब मैं जा रहा हूं। पहले मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बता दिया, अब सिक्स गारंटीड फंडामेंटल राइट्स में हम आएंगे। जो सिक्स गारंटीड फंडामेंटल राइट्स है, जिनके पास नोट्स है, मैं आपको तो नोट्स के पेज नंबर 17 पर, पेज नंबर 1717 पर ये सिक्स गारंटीड फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जब सिक्स गारंटीड फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, प्लीज समझना, इन सिक्स गारंटीड फंडामेंटल राइट्स को समझने के लिए मुझे आपको पहले यह समझाना है कि इसको याद कैसे रखना है। तो ये अक्सर रेगुलर क्लास में मैं आपको बताता हूं, एक चैनल है जो लोग महाराष्ट्र से उनको पता होगा, साम टीवी। जो लोग नहीं है उनको बता दूं, साम टीवी कहते हैं, महाराष्ट्र में एक चैनल है, रीजनल चैनल है, जहां पर अक्सर इंस्पायर एकेडमी की एड आती है, साम टीवी, और फिर ये RF। मतलब क्या, ये मैं जस्ट एक एक्रोनिम बनाया हूं टू डिफरेंस राजेश बेटा, मैंने एक्सप्लेन किया अभी जस्ट, ड्यूअल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बेटा, आई जस्ट एक्सप्लेन। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब क्या, कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, आपका पढ़ाई को लेकर जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको लेकर अगर कोई सवाल है तो आपको मैं जब पूछूंगा तब कमेंट करना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कोई और कमेंट आप करोगे तो इट विल अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट द सिंसियर स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट सब लोग। तो जब मैं कह रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड ड्यूअल गवर्नमेंट, आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर राजेश बेटा। ओके बढ़ते आगे इस गारंटीड फंडामेंटल राइट्स में। जब मैं कह रहा हूं साम RF, एस स्टैंड फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए स्टैंड फॉर असेंबल पीसफुली एंड विदाउट हार्म, अगेन ए स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एम स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक बार पहले देख लेते उसको फिर डिटेल में देखेंगे, देन R स्टैंड फॉर रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, एंड F स्टैंड फॉर फ्री टू प्रैक्टिस इन प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड ऑफ बिजनेस। इन सबको डिटेल में पढ़ना है, हमको कैसे पढ़ना है डिटेल में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको यहां पर इस साम RF मतलब साम टीवी रोज फ्री में दिखता है। इस तरह से वो सिक्स गारंटीड फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिलते हैं, किसके मिलते हैं, हर सिटीजन को मिलते हैं। दिस राइट्स आर ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कई बार सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है जहां पर एक फॉरेनर का रेफरेंस आएगा और इन सिक्स गारंटीड फंडामेंटल राइट्स पर सवाल आएगा, स्टूडेंट जल्दबाजी में लिखते हैं यस ही कैन फाइल अ सूट। आपको देखना है अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो ही वो सिक्स गारंटीड फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट में जा सकता है। बढ़ते अब फर्स्ट फंडामेंटल राइट में, उसी चार्ट में पेज नंबर 17 पर नीचे देखना, फर्स्ट फंडामेंटल राइट दिया है, क्या लिखा है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब मैं कहता हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं यहां पर इस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का इतने ज्यादा एग्जाम्पल और डिस्कशन हम कर सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया में जो भरसक कोशिश करते हैं उन लोगों के नाम पहले मैं यहां पर लिखता हूं। अभी फिलहाल लेटेस्ट में जो ट्रेंडिंग है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में, हम कहते हैं अर्नब गोस्वामी, देन हम कहते हैं कंगना रानावत,
देन हम कहते हैं संजय राउत, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर, देन ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग नाम है। पुराने एक जमाने में जो नाम आते थे वो है अरविंद केजरीवाल, फिर आता था एक जमाने में राज ठाकरे जी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, देन आते थे अन्ना हजारे जी, और देन आते थे संजय लीला भंसाली, वो मूवी थी ना पद्मावत, संजय लीला भंसाली। भाई ये सिर्फ आपको नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेशन में हम कहते हैं एक व्यक्ति को फ्रीडम मिलता है टू एक्सप्रेस कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब थॉट्स एंड ओपिनियंस फ्रीली बाय माउथ और राइटिंग और प्रिंटिंग और अदर मोड। नंबर वन, ही हैज अ राइट टू मेक गुड और बैड स्पीच। भैया गुड और बैड स्पीच, अर्नब गोस्वामी अपने बैड स्पीच के तहत टारगेट किए गए। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बैड स्पीच की वजह से टारगेट में आते हैं। तो राइट टू मेक गुड और बैड स्पीच, देन प्रेस डेमोन्स्ट्रेशन ड्रामा मूवी इंक्लूडेड। प्रेस में अर्नब गोस्वामी का नाम लिया है, डेमोन्स्ट्रेशन में धरना देना प्रोटेस्ट करना अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है, ड्रामा मूवी में संजय लीला भंसाली का नाम दिया है। मतलब हम फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेशन में जब सवाल आएगा उसका मीनिंग लिखते हुए जब तीन पॉइंट्स लिखेंगे, इन तीन पॉइंट्स को हमने उन सेलिब्रिटीज के साथ लिंक किया है। आई होप मीनिंग सबको समझा, अगर मीनिंग समझा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आपको भली फ्रीडम देता है, ये कंप्लीट फ्रीडम नहीं देता है, अब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं देता है। देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस इन फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस इन फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, और यहां पर जो रेस्ट्रिक्शंस गारंटीड फंडामेंटल राइट्स में आते हैं उन छह गारंटीड फंडामेंटल राइट्स है। अब हर एक में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को मैंने एक खाने के आइटम के साथ लिंक किया है, खाने के आइटम के साथ। तो भैया रेस्ट्रिक्शंस में अब थोड़ा बहुत मैंने अपनी तरफ से मॉडिफाई किया है, आप प्लीज उसे आप मेरी तरफ से समझना, मैं जैसे बताना चाहता हूं। अभी ये रेस्ट्रिक्शन भैया इतने रेस्ट्रिक्शन है, सर समझता तो सब है लिखते नहीं आता है। हर एक स्टूडेंट का सवाल क्या है, सर समझता सब है लिखते नहीं आता है। तो उसको ब्रेन मैपिंग से लिंक करने के लिए मैंने ये एक्रोनिम और निमोनिक्स बताया जिससे आप लिख पाओगे। अरे सुनना चाहोगे क्या रेस्ट्रिक्शंस, अगर सुनना चाहोगे वो खाने का आइटम जो रेस्ट्रिक्शंस याद दिलाएगा तो एक बार थम्स अप करो क्विकली, क्विकली थम्स अप करो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अरे बोलो भाई, मैंने किया है फर्स्ट खाने का आइटम और सारे रेस्ट्रिक्शंस एक तरह के खाने के आइटम से लिंक्ड है ताकि आपको याद रहेगा। पहला खाने का आइटम जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में आता है वो है शेवपुरी दही चाट, SPDC, शेवपुरी दही चाट, दही फाफड़ा शेव, दही फाफड़ा शेव। भाई मैं खाता हूं दही फाफड़ा और शेव, ऐसे बता रहा हूं। अब इसको लिंक करते भैया, तो हमको अगर कल को सवाल आता है शॉर्ट नोट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, सर ने कहा था तीन पॉइंट्स, पहला पॉइंट फ्रीडम मिलता है एक्सप्रेशन ऑफ कन्विक्शन एंड ओपिनियंस फ्रीली बाय माउथ राइटिंग प्रिंटिंग और अदर मोड, नंबर टू ही हैज अ राइट टू मेक गुड और बैड स्पीच, नंबर थ्री प्रेस डेमोन्स्ट्रेशन ड्रामा मूवीज इंक्लूडेड इन फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, ये तीन पॉइंट हुए। फिर कहना है द फ्रीडम इज Not absolute freedom. There are some reasonable restrictions. वो reasonable restrictions में कौन से restrictions है? Number one, हम कहते हैं security of the state. Security of the state. इसका best example, security of the state का best example, security of the state and sovereignty and integrity, इन दोनों को मिलाकर best example आपको देता हूं वो है 26/11 का हमला, 26/11 का attack जब हुआ था मुंबई में, उस वक्त कुछ न्यूज चैनल ने, मीडिया हाउसेस ने उस अटैक को लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया था चैनल्स पर, जिस वजह से पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी थे वो अपने उन टेररिस्ट को फोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि कहां पर पुलिस जा रही है और कहां पर नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं भैया प्रेस को फ्रीडम है बट फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम, कोई ऐसा फ्रीडम जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को कॉम्प्रोमाइज करे या सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करे वो फ्रीडम अलाउड नहीं है। तो बेस्ट एग्जाम्पल 26/11 का हमला, देन फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, फॉरेन स्टेट्स। भाई जब मैं फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स कहता हूं तो आपको समझना, अभी फिलहाल में
आई लिव सिंपल मोमेंट चल रहा है, आई लिव सिंपल मोमेंट, आई लिव सिंपल मतलब क्या, सिंपल डॉट ओ आर जी, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक का अगर आपने नाम सुना है, वो क्या कर रहे हैं लेह लद्दाख में, वहां से लेह लद्दाख में बैठकर वहां से वो वीडियोस भेजते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया चैनल्स पर, और देश के लोगों को चाइना किस तरह से हमारे इंडिया के लिए खतरा है इसको लेकर वो वीडियोस जो भेजते हैं, वो वीडियोस में कहीं पर भी वो चाइना के लोगों के खिलाफ बात नहीं करते, वो चाइनीज गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। ध्यान रखना, वो हर वीडियो में कहते हैं हमारी लड़ाई चाइना के लोगों के साथ नहीं है, चाइना गवर्नमेंट के पॉलिसीज के साथ है, उनके पॉलिसीज को हमें रोकना है। क्यों? बिकॉज उन्हें भी पता है दो देशों के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशन है वो बनाए रखना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। तो फ्रीडम, फ्रेंडली रिलेशन, फॉरेन स्टेट, एग्जाम्पल सोनम वांगचुक। भाई एग्जाम्पल सुन रहे हो तो मजा आ रहा है ना सबको। जब मैं कहता हूं पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर का बेस्ट एग्जाम्पल अभी हम कहेंगे यहां पर जो रिसेंटली हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंगना रनौत जी के एक स्टेटमेंट पर, जी मैंने ऐसे ही बोला, कोई स्टूडेंट दिल पे मत लेना, कंगना रनौत के एक स्टेटमेंट पर उनके घर की जो इलीगल इमारत है ऐसा गवर्नमेंट का कहना था, उसको उन्होंने डिमोलिश कर दिया। ये कहते हुए कि उन्होंने जो भाषणबाजी, अब ये डायरेक्टली नहीं हुआ है, कोई भी भाषण, कोई भी बयान आप देते हो वो अगर पब्लिक ऑर्डर में नहीं है तो वहां पर आपके भाषण बयान और बयान को सीरियस लेते हुए गवर्नमेंट एक्शन ले सकता है। उन्होंने महाराष्ट्र को पीओ के साथ कंपेयर किया था, पीओके के साथ, तो उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल हुआ है, पब्लिक ऑर्डर। देन डिसेंसी एंड मॉरलिटी का बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप मुझे पूछोगे तो इंडिया में हम कहेंगे राखी सावंत, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, बट उनके स्पीच और एक्सप्रेशन में अक्सर डिसेंसी और मॉरलिटी को हम ध्यान में रखते हुए सुनते हैं, भैया कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। देन भाई मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरा किसी से कोई वैर नहीं है, आपको समझाने के लिए रहा हूं, कोई उनका फैन होगा तो मुझे यहां पर लाती गाली देगा या प्रोटेस्ट करेगा, प्लीज मैं सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए ले रहा हूं। देन ऐसे तो काफी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है राहुल गांधी का, जब राहुल गांधी ने कहा था राफेल मामले में, उन्होंने पॉलिटिकल रैली में कह दिया था कि नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी माना है, अपने भाषण में कह दिया नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी माना है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो जब मीनाक्षी लेखी जो बीजेपी की लॉयर है, उन्होंने जब रिट पिटीशन फाइल किया था तो कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी और कहा था कि भैया जब तुम कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, बट तुम ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगेन स्पीच और कोर्ट ने एक बार तुम्हें बोल दिया फिर बोलना नहीं है, फिर भी तुम बोल रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। देन डिफेमेशन का एग्जाम्पल अगेन हम कहेंगे अरविंद केजरीवाल, जो मैं ऊपर नाम लिखे उन्हीं के एग्जाम्पल दे रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जब उन्होंने नितिन गडकरी को भ्रष्ट करप्ट पॉलिटिशियन कहा था, तो नितिन गडकरी ने स्पीच और एक्सप्रेशन के उस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का उल्लंघन होते हुए लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिफेमेशन का केस फाइल किया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर। सारे चैप्टर्स लिंक्ड है, ध्यान रखना हर एक चीज हम लिंक कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे साथ हो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज लीसा बेटा मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपका एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अभी आप मेरे साथ बने रहोगे, चिपके रहोगे, यस और नो? तो ये सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो मैंने लिख के दिए हैं उसको याद कर सकना, शेवपुरी दही चाट, दही फाफड़ा शेव, इन दैट एस स्टैंड फॉर शेवपुरी में एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पी स्टैंड फॉर पब्लिक ऑर्डर, डी स्टैंड फॉर डिसेंसी और मॉरलिटी, सी स्टैंड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, शेवपुरी दही चाट हो गया। अब भाई हमें दही फाफड़ा शेव, डी स्टैंड फॉर डिफेमेशन, एफ स्टैंड फॉर फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट्स, एंड एस स्टैंड फॉर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब दोबारा मत पूछना कि सर समझता सब है बट लिखते नहीं आता है, अगर सवाल आएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर तो लिख पाओगे क्या? थम्स अप करो अगर लिख पाओगे तो। अरे बोलो भाई, जब पूछा है तब कमेंट जरूर करो, करते रहो जब पूछा तब। मैंने कहा सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मैंने इसी फूड आइटम के साथ लिंक किए हुए हैं, हम देखेंगे आगे जैसे जाएंगे। फर्स्ट गारंटीड फंडामेंटल राइट हमने कंप्लीट किया है, अगले सेकंड गारंटीड फंडामेंटल राइट में हम बढ़ते हैं, और सेकंड राइट है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट हार्म। भैया फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट हार्म जब कहते हैं ना, उसका वहीं पर आप पहले एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल
पॉलिटिकल रैलीज जो होते हैं, देन प्रोटेस्ट जो होते हैं, मैं इतना ही कहूंगा, ये फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट हार्म के वहीं पर लिखना इंटरमिक्स्ड, इंटरमिक्स्ड, इंटरमिक्स मतलब खिचड़ी, इंटरमिक्स्ड विद क्या, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो अभी अभी देखा ना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, उसके साथ ये मिक्स्ड है, जो अभी अभी देखा है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट हार्म, उसके साथ ये मिक्स्ड है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के साथ क्या मिक्स है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट हार्म, बट इसको स्पेसिफिकली अलग राइट क्यों दिया है, बिकॉज जो पॉलिटिकल रैलीज होते हैं, जो धरना प्रोटेस्ट होता है, वो आपको करना, ये संविधानिक अधिकार है हर सिटीजन का, ऐसा वो कहते हैं। और इसके लिए मैं कहूंगा इसका बेस्ट एग्जाम्पल, मैंने कहा पॉलिटिकल रैलीज, प्रोटेस्ट, या हम कह सकते हैं जो रास्ता रोको होता है, रास्ता रोको, रेल रोको, अभी रिसेंटली हथसर में, हिसार में कुछ घटना घटी थी, वहां पर राहुल गांधी गए थे, उन्होंने असेंबल पीसफुल एंड विदाउट हार्म का उनको राइट था, बट उन्होंने वहां पर जाके कुछ ऐसे बयानबाजी किए तो उनको अरेस्ट करना पड़ा। तो फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट हार्म है, बट उसके रेस्ट्रिक्शंस में आपको आता है शेवपुरी, भाई वहां पर था शेवपुरी, दही चाट, दही फाफड़ा शेव, भैया फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट हार्म में शेवपुरी है, मतलब सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ये हर सिटीजन के पास है। अरे बोलो भाई कैसे लिखना है, अगर आता है तो इंटरमिक्स विद स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, एवरी सिटीजन टू कॉल असेंबली एंड पुट व्यूज पीसफुल एंड विदाउट हार्म। पॉइंट नंबर थ्री, उसके एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर फोर, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये चार पॉइंट आपको लिखने, अगर शॉर्ट नोट आता है तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जब फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट हार्म कहता है, तो सर अलग से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? देखो ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन खास करके रिलीजियस एसोसिएशन और यूनियन को लेकर है। जैसे कि मैं आपको कहूंगा, हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के लोगों का एक एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म करने का अधिकार ये संविधान उन्हें देता है। जैसे कि मैं पुणे में कहूंगा, सिंस आई बिलोंग टू जैन कम्युनिटी, हमारा एक जैन सोशल ग्रुप है, वैसे कुछ एक ग्रुप है महेश प्रोफेशनल फोरम, वैसे कुछ हम कह सकते हैं हर धर्म के अंदर अलग अलग रिलीजियस एसोसिएशंस हो सकते हैं, वो अधिकार उन्हें संविधान देता है, राइट टू फॉर्म रिलीजियस एसोसिएशन। एंड नंबर टू, उसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस में रखना, ये आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एसोसिएशन है, बट वो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एसोसिएशन में सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को खतरा नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर को खतरा नहीं होना चाहिए, मॉरलिटी को खतरा नहीं होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं सिमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये भी एक रिलीजियस एसोसिएशन था, बट उस रिलीजियस एसोसिएशन को बैन किया गया बिकॉज समवेयर गवर्नमेंट फाउंड एविडेंसेस और प्रूफ्स कि वो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। एनीवेज पॉइंट यहां पर क्या है, मुझे कहना है मसाला शेवपुरी, रेस्ट्रिक्शंस को याद कैसे रखना है, मॉरेलिटी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। सब लोग हैं ना भाई मेरे साथ? अरे बोलो भाई, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट हार्म हो गया, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। तीनों पर अगर सवाल आते तो क्या लिखना है वो मैंने बता दिया। और एक हिंट देता हूं, जब भी कोई सवाल आता है किसी एक पर्टिकुलर गारंटीड फंडामेंटल राइट पर, आप पहले लिखो इट इज वन ऑफ द गारंटीड फंडामेंटल राइट्स, सिक्स गारंटीड फंडामेंटल राइट्स, एक चार्ट ड्रॉ करो सिक्स गारंटीड फंडामेंटल राइट्स का, उसमें से जो राइट पर सवाल पूछा है उसको हाईलाइट करो और उसके नीचे उसे एक्सप्लेन करो। मैं आपको अगेन कहूंगा, हमारे साथ इस मैराथन में आप बने रहोगे अंत तक, तो मैं आपको सिर्फ समझा नहीं रहा हूं पेपर में सवाल आने पर कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, और मैं आपको अश्योरेंस देता हूं बाय द एंड ऑफ द डे आपका 70 मार्क का मिनिमम, 70 मार्क का आपका जेआईजीएल का पेपर कंप्लीट होने की गारंटी मैं लेता हूं, प्रोवाइडेड आप मेरे साथ बने रहो, चिपके रहो, और आप जब पूछूंगा तब समय समय पर कमेंट करते रहो। ध्यान रखना, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा बट रिवाइज करोगे, जो एग्जाम्पल में दे रहा हूं उसके बाद रिवाइज करोगे, मजा आएगा। सब लोग अगर मेरे साथ है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में। कहां पर बढ़ते हैं? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में। भाई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को जब मैं कहता हूं, आप हॉलीडे में जब जाते हो हॉलीडेज के लिए, अक्सर मान लो आप गोवा गए हॉलीडे में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर गए, इंडिया के अंदर जब हॉलीडेज में जाते हो तो वहां पर आपको कोई वीजा नहीं होता है, यहां पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्री टू मूव एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट इंडिया के बाहर जब जाते हो तो आपको वीजा लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज वहां पे आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं, आप नहीं कह सकते वो वी हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो गारंटीड राइट है उसको आपको लिंक करना है
राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये फिफ्थ गारंटेड राइट। तो फोर्थ एंड फिफ्थ आर टू बी लिंक टूगेदर। मैं अगेन बता रहा हूं, फोर्थ एंड फिफ्थ को लिंक करना है। फिफ्थ क्या है? राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट और टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो प्लीज एक सेकंड, तो ये फोर्थ और फिफ्थ को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। फोर्थ में हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फिफ्थ में कहते हैं राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए एग्जाम्पल मैंने दिया है, जब हम पिकनिक में जाते हैं, हॉलीडेज में आते हैं इंडिया के अंदर, वी हैव राइट टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन एक बंगाली वेस्ट बंगाल में जो रहता है वो महाराष्ट्र में आके सेटल हो सकता है, तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल वो हो सकता है। या फिर नरेंद्र मोदी जी ले लो, नरेंद्र मोदी जी वडनगर के रहने वाले हैं, वहां पे जन्मे थे, बड़ौदा से वाराणसी इलेक्शन लड़े थे और अब दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया राहुल गांधी जी ले लो। अमेठी से चुनाव जीते थे, बाद में हारने के बाद अब वायनाड से चुनाव जीते हैं, अमेठी उत्तर प्रदेश में, वायनाड केरला में। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये हर सिटीजन के पास राइट है, बट ये राइट नंबर 5 एंड राइट नंबर 4 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इन दोनों के लिए फोर्थ और फिफ्थ के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वो राइट है, बट दिस राइट इज नॉट अलाउड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, बट ऐसा कोई भी मूवमेंट जो जनरल पब्लिक के लिए खतरा हो वो आपको अलाउड नहीं है। या फिर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जब मैं कहता हूं नॉट अलाउड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इसको हम अक्सर सीआरपीसी में देखते हैं। कहां पे? सीआरपीसी में एक पॉइंट है, सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर। तड़ी पार किया था एक व्यक्ति को, जब वो किसी देश के लिए या फिर किसी गांव के लिए, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए खतरा हो जाता है, वहां पे काफी ऑफेंसेस करता है, तो कोर्ट उसे तड़ी पार करता है, तो वो ये नहीं कह सकता है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है बट उसके रेस्ट्रिक्शंस में नॉट अलाउड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया उसका है। देन प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब को हम कहते हैं अंडमान निकोबार, जो भारत का हिस्सा है, अंडमान निकोबार में एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पे ट्राइबल एरिया है, वहां पे कोई भी इंडियन सिटीजन जा नहीं सकता है बिकॉज ये उन ट्राइब की सुरक्षा के लिए बैन किया हुआ है, तो वहां पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं आएगा और रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आएगा। अब इसको याद कैसे रखना है फोर्थ और फिफ्थ को, रेस्ट्रिक्शंस को, तो इसको हम कहते हैं पानीपुरी, पीएन। देखो भाई, 6 गारंटेड फंडामेंटल राइट्स है जिसमें से 5 हुए, मैंने जिसमें बताया कि फर्स्ट और सेकेंड लिंक्ड है, फर्स्ट और सेकेंड लिंक्ड है। फर्स्ट क्या था? स्पीच और एक्सप्रेशन। सेकंड क्या था? ओके, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट हार्म। ये फर्स्ट और सेकंड लिंक है। फिर फोर्थ और फिफ्थ लिंक कहा मैंने? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो थर्ड है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट हार्म, आई होप, सॉरी, जो थर्ड हमने डिस्कस किया है वो एकदम इंडिपेंडेंट है, आई होप सब लोग मेरे साथ है। उसको याद कैसे रखना है? मैंने कहा साम, आर हो गया बता, इसमें एस स्टैंड फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए स्टैंड फॉर Assemble peacefully and without harm. Again, A stands for freedom of association. M stands for freedom of movement. R stands for reside and settle in any part of India. अरे बोलो भाई, देखो कमेंट शुरू हो गए रिशा जैन के। बेटा रिशा जैन, जय जैन का सप्लीमेंट भी इसमें कवर्ड है। मैं आपको पहले से कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप इस मैराथन का बेस्ट लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ बने रहना है, चिपके रहना, सब कुछ कवर करने की जिम्मेदारी मेरी है भाई। मैं यहां पर खड़ा हूं आपकी सेवा में अंत तक। आपका ये 100 मार्क का जेएजल पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत सारे अमेंडमेंट्स अपडेशन के साथ कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है। 5 गारंटेड फंडामेंटल राइट्स हो गए। अगले राइट में बढ़ते हैं, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस जब हम कहते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है वो किसी भी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस में आ सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल रहे चलो सर फिर सीएस एग्जीक्यूटिव करने की जरूरत क्या है, मैं अनाउंस कर देता हूं मैं सीएस हो गया हूं, मैं डॉक्टर बन जा रहा हूं, मैं डॉक्टर की डिग्री ले रहा हूं, मैं डॉक्टर का काम कर रहा हूं। वो कहते हैं फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस है, पर उसके रेस्ट्रिक्शन में जहां पे प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन जरूरी है वो आपको लेना पड़ेगा। भैया सीएस की डिग्री चाहिए तो सीएस एग्जीक्यूटिव पास करना पड़ेगा, प्रोफेशनल पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही बनोगे। डॉक्टर की डिग्री चाहिए तो डॉक्टर की एग्जाम पास कर दिए। एट द सेम टाइम वो ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस और इंडस्ट्री जो कंट्रोल्ड बाय स्टेट है, ओन्ड ऑफ कंट्रोल्ड बाय स्टेट है, जो स्टेट ने अपने कंट्रोल में रखा है। मतलब क्या, आप में से किसी बोल दिया चलो सर फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड है ना, मैं अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस डालना चाहता हूं। भैया प्रिंटिंग प्रेस अलाउड है, बट मैं अपनी मनी प्रिंटिंग प्रेस, जैसे गवर्नमेंट की
पैसे छापने की प्रिंटिंग पैसे, वैसे मैं गवर्नमेंट की कंपटीशन में रहना चाहता हूँ, सॉरी वो आएगा नहीं, बिकॉज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट है। तो भाई जब हम कहते हैं फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस है, तो दोस्तों इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एंड दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या है आपका, कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो यहां पर भी क्या आ गया, शिवपुरी। अरे बोलो भाई, अरे सब लोग है ना, सिक्स गारंटेड फंडामेंटल राइट्स पर जब भी सवाल आएगा ऐसे लिखना है, मैंने आपको बता दिया। आई होप सब लोग है मेरे साथ। अगर सिक्स गारंटीड फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, अगर समझा है तो जेएमडी बोलो, जय माता दी। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट में। कोई सवाल है तो कमेंट करो। प्रज्वल बेटा तुम्हारा कोई सवाल है क्या? सर प्लीज कुछ बोला है तुमने? प्रज्वल कोई सवाल है तो बोलो बेटा। बढ़ू मैं आगे? दोस्तों ध्यान रखना, अब अगले 45 मिनट्स में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट कर देंगे पूरा जो आपके सिलेबस में है। बस अब ये जो मेन पार्ट डिस्कस हो गया, प्लीज आप लिखा हुआ नोट्स प्रोवाइड करो सर, इफ इट इज फिजिबल। दोस्त प्रज्वल मैंने पहले ही कहा है, जब हम एक ब्रेक लेंगे अगर किसी स्टूडेंट के पास प्रज्वल का नंबर है तो उसे व्हाट्सएप कर दो नोट्स। मैंने ऑलरेडी कल सारे नोट्स व्हाट्सएप कर दिए थे दोस्त। फ्रेंडली रिलेशन वाला एक बार और एग्जांपल प्लीज। फ्रेंड रिलेशन में मैंने एग्जांपल दिया था बेटा सोनम वांगचुक का। फ्रेंड रिलेशन में सबको बता दूं जो पूछा है, फ्रेंड रिलेशन में मैंने एग्जांपल दिया था सोनम वांगचुक का। आपको स्पीच और एक्सप्रेशन है, बट वो सोनम वांगचुक जो स्पीच और एक्सप्रेशन करते हैं वो ध्यान रखते हैं कि उनके स्पीच और एक्सप्रेशन में कहीं पर भी फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स मतलब चाइना के साथ उनके वक्तव्य से कोई इम्पैक्ट ना हो, कोई अफेक्ट ना हो। वैसे आप देखना पाकिस्तान में अक्सर जो वहां के टेररिस्ट के हेड है हाफिज सईद वगैरह, वो अक्सर इंडिया के खिलाफ कुछ बयान देते हैं। तो ऐसे किसी इंडियन व्यक्ति ने कोई ऐसा किया पाकिस्तान के खिलाफ तो वो क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के रेस्ट्रिक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? मैं आपको मैंने डिस्कस किए हुए बातों को लेकर सवाल पूछने के लिए कहा है। क्लियर है? बढ़ते आगे नेक्स्ट पॉइंट में। दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के साथ साथ जो बाकी के 5 गारंटेड फंडामेंटल राइट्स है वो देख लिए, अब आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट, अक्सर एग्जाम में ये सवाल आता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जब हम स्टेट कहते हैं तो स्टेट में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आता हुआ बोली तुम्हारे बात पे, डोंट वरी, वेलकम। यस 2 मिनट, जो आपके सवाल आ रहे उस पर अबोली, वेलकम टू योर पॉइंट। एग्जाम में रेस्ट्रिक्शंस वाले जब स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन पर सवाल नहीं आता है, गारंटीड फंडामेंटल राइट पर सवाल आएगा। रेस्ट्रिक्शंस जब आता है वहां पे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी जो एग्जाम्पल दिया है उससे आप वो रेस्ट्रिक्शन लिख सकते हो। रेस्ट्रिक्शन को आपको 10-15 लाइन में एक्सप्लेन नहीं करना है, हार्डली इन 1 लाइन द मीनिंग ऑफ दैट रेस्ट्रिक्शन उतना ही लिखना है। पब्लिक ऑर्डर मतलब पब्लिक डिसिप्लिन, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर डिसेंसी और मॉरलिटी मतलब जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, सही हो, ऐसा स्टेटमेंट ऑफ भाषण, ऐसे आप एक एक लाइन में सिर्फ एक्सप्लेन करोगे। क्लियर? ओके, मैं सीक्वेंस में जा रहा हूं, आपको मेरे साथ बने रहना है, हम हर एक पॉइंट कवर करने वाले। हमने अभी तक प्रीएम्बल देखा है, गारंटीड फंडामेंटल राइट्स देखे, और हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आए। स्टेट में हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है, पार्लियामेंट आता है, स्टेट लेजिस्लेचर आता है। यहां पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको लेकर अक्सर सवाल आता है। ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज आर अंडर द कंट्रोल। राज ठाकरे जी पर क्यों नहीं आता वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप यहां पे ध्यान रखो। ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट जब कह रहे हो प्लीज वहां पे लिखना मतलब कौन आ गया। ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज में स्टेट में कौन कौन आता है? ये स्टेट मतलब सारी गवर्नमेंट बॉडीज, म्यूनिसिपल बॉडीज, कॉमा पंचायत जो विलेज पंचायत होता है, उसके बाद लिखना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और लोकल एंड अदर अथॉरिटीज और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें यूनिवर्सिटी भी आएगा जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वो आएगा स्टेट में।
अदर अथॉरिटी इंक्लूड्स। दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जब मैं आपको सवाल पूछूंगा तभी आपको आपका जो मैंने पढ़ाया हुआ पार्ट है वो कमेंट करना है। अगर आपका कोई पार्ट कमेंट करोगे तो ये मैराथन एंड तक एक ही चैप्टर चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने जो पार्ट समझाया है उसमें अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, आपको पूछना है, यू कैन नॉट फ्रेम अ न्यू एग्जाम्पल। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, राजेश एंड कीर्ति। यस बेटा कीर्ति, आई नो। अब बोली क्लियर है, वही बोल रहा हूँ, पेशेंस रखो। राजेश बेटा, तुम मेरी बात अगर समझ चुके होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले तुम तुम्हारा कमेंट डिलीट करो बेटा, बिकॉज उसके बगैर हमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको कहूंगा इस मैराथन का आपको 100% यूज लेना है दोस्तों, तो आपको सिर्फ मेरे साथ रहना है, कुछ नया पॉइंट मत डालो। मैं जब कह रहा हूं ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो हम वहां पर मैंने ऑल लोकल अदर अथॉरिटीज में किसको कहा है? म्यूनिसिपल बॉडीज, पंचायत बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटीज। अदर अथॉरिटी में उन्होंने दिया है ऑल बॉडीज और इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट। जैसे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, देन सीबीए है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट है एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट है, वो भी स्टेट में आएगा। विच आर एक्टिंग एज एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, विच आर एक्टिंग एज, यस एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो आप, इसलिए तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल एक्सप्रेशन लिखने के बाद नीचे लिखना है, पहले एग्जाम्पल नहीं लिखना है। विच आर एक्टिंग एज एजेंसी ऑफ स्टेट, मतलब अदर अथॉरिटीज में क्या आता है? अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट नंबर वन, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट नंबर टू, एंड एक्टिंग एज एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट नंबर थ्री। ध्यान रखना, अदर अथॉरिटीज में जब हम कहते हैं तो क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट है। अब यहां पर सवाल आता है स्टॉक एक्सचेंज जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सवाल आ सकता है क्या वो स्टेट में आता है? तो कोर्ट सेज इट इज नॉट कवर्ड इन अदर अथॉरिटीज। क्यों? उधर आप रीजन लिखना मेरे साथ प्लीज, सब लोग राइट अ रीजन ओवर देयर, सब लोग। बीसीसीआई, आईसीआई, आईसीएसआई वो भी नहीं आते, क्यों नहीं आते मैं आपको बताता हूं। स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट कवर्ड अंडर अदर अथॉरिटीज, वहां पर आप लिखना इंडिपेंडेंट है स्टॉक एक्सचेंज एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, उसके साथ ही साथ नॉट डिस्चार्जिंग, नॉट डिस्चार्जिंग, नॉट डिस्चार्जिंग पब्लिक डिपार्टमेंट, पब्लिक डिपार्टमेंट। ध्यान रखना हम स्टेट का डेफिनेशन देख रहे हैं, हम पब्लिक अथॉरिटी का नहीं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट जो हमें समझाता है, आरटीआई एक्ट जो हम पढ़ेंगे वहां पे पब्लिक अथॉरिटी में आईसीएआई आता है, आईसीएसआई आता है पब्लिक अथॉरिटी में। बट जब स्टेट की बात करता है, स्टेट मतलब जिसको गवर्नमेंट क्या करता है, एक स्टैट्यूट के तहत क्रिएट करता है, रेगुलेट करता है, बट वो तभी अथॉरिटीज में आएगा भले आईसीआई आईसीएसआई में क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। हम कहते हैं दे आर इंडिपेंडेंट एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो मियर रेगुलेटरी नेचर है। जैसे बीसीसीआई कम्स अंडर द सेम कैटेगरी, बीसीसीआई नॉट कवर्ड अंडर अदर अथॉरिटीज। क्यों? हम कहेंगे नॉट डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के अथॉरिटीज होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं, गवर्नमेंट क्रिएटेड होते हैं, उनको गवर्नमेंट फंड करता है। बीसीसीआई में गवर्नमेंट एक रुपए भी नहीं डालता है, आईसीआई को गवर्नमेंट एक रुपए भी नहीं देता है, आईसीएसआई को गवर्नमेंट एक रुपए भी नहीं देता है। नॉट डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन गवर्नमेंट नंबर वन, नंबर टू नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है थोड़ा बहुत वो मियर रेगुलेटरी नेचर, मियर रेगुलेटरी नेचर, मियर रेगुलेटरी नेचर। यस आरबीआई स्टेट में आएगा। प्लीज आप कमेंट मत करो वरना मैं उसी के ऊपर डिस्कशन में बने रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहो, मुझे जो बताना है वो सुनो। आप मैराथन मुझे सुनने आए हो, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप मुझे सुनने आए हो, मेरी बातों को समझने आए हो जो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों ये सवाल जब एग्जाम में आएगा कि स्टेट में क्या आता है, ये लिखना तो आसान है, बट स्टेट में क्या नहीं आता है
और स्टेट के अंदर जब अदर अथॉरिटी आता है तो अदर अथॉरिटी में क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एक्टिंग एज एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान रखना जो क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। सेबी इज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, आरबीआई इज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, आईसीआई बीसीसीआई आईसीएसआर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फाइनेंशियली और नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो सिर्फ मियर रेगुलेटरी नेचर है। यहां पर एक और सवाल है स्टैट्यूट को लेकर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग प्लीज वहां पर लिखना। सवाल आता है हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू डिटरमाइन ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों के लिए, हाउ टू डिटरमाइन इफ एनी एजेंसी इज अ स्टेट। कोई भी एजेंसी स्टेट है कि नहीं, जब आईसीआई आईसीएसआर की हम बात करते हैं तो हाउ टू डिटरमाइन, तो हम कहते हैं टेस्ट फॉर डिटरमिनेशन, टेस्ट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ अ स्टेट। यहां पर मैं कहूंगा जो फर्स्ट फैक्टर आपको देखना है फॉर डिटरमिनेशन इज शेयर कैपिटल। क्या उस पर्टिकुलर एजेंसी का शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया हुआ है? अगर गवर्नमेंट का, जैसे ओएनजीसी गवर्नमेंट कंपनी, क्यों कहते हैं शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का? मैक्सिमम पोर्शन गवर्नमेंट के पास है, मेजोरिटी। देन नंबर शेयर कैपिटल की बात होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो क्या गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल मदद देती है? देन नंबर थ्री, देन नंबर थ्री हम कहते हैं मोनोपोली स्टेटस। क्या किसी एजेंसी को मोनोपोली है? मोनोपोली अगर है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का स्टेट बन सकता है बिकॉज गवर्नमेंट मोनोपोली अपने पास रखता है। देन हम कहते हैं स्टेट का कंट्रोल है, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट बॉडी की कैटेगरी में आना चाहते हैं क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है? क्या पब्लिक फंक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं? क्या वो एजेंसी पब्लिक फंक्शंस आर कैरीड आउट? क्या वो कोई पब्लिक फंक्शंस कैरी आउट करती है? नंबर सिक्स, क्या वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है? दोस्तों ये सिक्स मैं कहूंगा फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेंगे कोई भी एजेंसी टेस्ट, उस एजेंसी टेस्ट को पास करती है कि नहीं, उस स्टेट बनती है कि नहीं। शेयर कैपिटल, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मोनोपोली, स्टेट कंट्रोल, पब्लिक फंक्शंस कैरिड आउट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अगर सवाल आता है तो आपको लिखते आना चाहिए। तो स्टेट पर दो तरह का सवाल आएगा, एक तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट आएगा, या सेकंड स्टेट के अंदर कोई भी एजेंसी अगर कवर होती है तो उसे कैसे, क्या टेस्ट है वो आएगा। अगर मेरा पॉइंट समझा है स्टेट को लेकर तो थम्स अप करो, तो मैं अगले पॉइंट में बढ़ता हूं क्विकली। सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो मैंने समझाया वो समझाया तो थम्स अप करो। दोस्तों कमेंट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहोगे, चिपके रहोगे तो ही आगे बढ़ पाऊंगा। यस, तो प्लीज हमने क्या देखा है अभी तक, हमने क्या देखा है अभी तक, हमने अभी तक देखा है, सबसे पहले हमने देखा है प्रीएम्बल, फिर हमने प्रीएम्बल के बाद देखा है सिक्स गारंटेड फंडामेंटल राइट्स, सिक्स गारंटेड फंडामेंटल राइट्स के बाद देखा है स्टेट, और स्टेट के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। किसमें बढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन को दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आते हैं। आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको रिट पेटिशन फाइल करने का राइट देता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बट इज ओनली एंड ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिलने चाहिए उसको लेकर आप रिट पेटिशन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट्स के अलावा कोई और मैटर है जिसको लेकर आपको रिट पेटिशन फाइल करना है तो वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हो। मेरी बात ध्यान सुनना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में सुप्रीम कोर्ट में हम कब रिट पेटिशन फाइल कर सकते हैं? ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट में कब जा सकते हैं? फॉर फंडामेंटल राइट्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर एनी अदर पर्पस ऑफ मैटर। तो हाई कोर्ट के पावर्स वाइडर है देन सुप्रीम कोर्ट, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में।
ये जो दोस्त है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या आर्टिकल्स है और क्या नहीं, मैं कहूंगा आप लोग से वहां पे थोड़ा एक करेक्शन कर देना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या आर्टिकल्स है। हम कहते हैं एक फिलहाल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है, 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स है, 100 प्रेसिडेंट्स है, जजमेंट्स है। एक जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे और 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। 2003 में अमेंडमेंट आने के बाद आर्टिकल्स बढ़ाए गए, अब 448 आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स पहले थे। बढ़ते जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसमें पहला रेमेडी दिया रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। दोस्तों अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में अक्सर इन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पर सवाल आते हैं। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है पहले समझ लो, मैं जो बता रहा हूं पहले समझ लो, उसके बाद हम वहां पर जाके पॉइंट्स मार्क करेंगे। पहले समझ लो, देखो रिट मतलब एप्लीकेशन पिटीशन, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी। हम कहते हैं जब किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है और उसको पुलिस कस्टडी में डिटेन करने के पीछे कोई रीजन और बहाना नहीं दिया है, तो व्यक्ति खुद अपने लॉयर के थ्रू या उसके कोई करीबी रिश्तेदार लीगल है कोर्ट में जाकर एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। जब वो रिट पिटीशन फाइल करेंगे रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का, तो कोर्ट उन गवर्नमेंट अथॉरिटीज से सवाल पूछेगा कि बताओ ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू हैव अरेस्टेड दैट पर्सन, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू हैव अरेस्टेड दैट पर्सन। अगर वो जस्टिफाइबल ग्राउंड्स नहीं दे पाया तो कोर्ट उसे रिलीज करने का ऑर्डर जारी कर सकता है। अगर कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना हो गई, कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे किया गया रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के, तो ऐसे केस में उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, उसे कौन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। आई होप इट इज क्लियर। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस में दिया है टू हैव अ बॉडी, डिटेन अ पर्सन विदाउट सेइंग एनी रीजन, देन दैट पर्सन हिमसेल्फ और ऑन हिज बिहाफ, क्या कहते हैं, any other person can issue writ against it, the person himself or any person on his behalf, on his behalf can issue writ, can file writ on it, can file writ against it, and point number 4 likhna wahan pe disobey of court in this writ is contempt of court, contempt of court। दोस्तों अगर writ of habeas corpus पर सवाल आया, writ of habeas corpus पर सवाल आया तो कितने पॉइंट लिखने, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या आएगा, मीनिंग ऑफ writ of habeas corpus, दैट इज टू habeas corpus मतलब क्या, टू हैव अ बॉडी, टू हैव बॉडी मतलब टू हैव समवन हु विल आस्क अ क्वेश्चन, हैव अ बॉडी मतलब क्या, व्हाट इज नोन, भैया कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो सवाल पूछ सके उस प्रशासन को, उस पुलिस को, कि भैया ऑन व्हाट ग्राउंड से अरेस्टेड, डिटेल अ पर्सन विदाउट सेइंग रीजन। आप उधर लिखना पॉइंट नंबर 2 में गिव ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, गिव ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू कोर्ट। कोर्ट बोलेगा भैया ग्राउंड्स बोलो, किस आधार पे आपने डिटेन किया है, गिव ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू कोर्ट। वो व्यक्ति खुद करेगा या उसका कोई करीबी रिश्तेदार कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। कोर्ट का ऑर्डर आया, डिसओबे किया, तो यस इन दैट केस इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 4 पॉइंट्स रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के अगर क्लियर है, जो 4 पॉइंट्स एग्जाम में आपने लिखने चाहिए वो मैंने बता दिया, अगर क्लियर है तो थम्स अप करो क्विकली। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के, तो मैं सेकंड राइट रिट में आता हूं, रिट ऑफ मैंडमस। काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है जो हम डिस्कस करने वाले, अभी केस लॉज है जो डिस्कस करेंगे क्विकली। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस अगर समझा तो थम्स अप करो, थम्स अप करने से थोड़ा मुझे एक मेंटल ब्रेक मिलता है, रिलैक्स हो जाओ, अगले पॉइंट के लिए मुझे में एनर्जी आती है फिर से, और मुझे ये भी समझता है आप मेरे साथ हो या नहीं हो। अब बढ़ते हैं अगले रिट में, भाई ये अगला रिट है रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ मैंडमस। वेट अ मिनट, रिट ऑफ मैंडमस बताओ, उससे पहले आपको यह समझना है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के, वहां पे जरूर लिखना अगेंस्ट एनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, अगेंस्ट एनी पर्सन - पब्लिक ऑब्लिक प्राइवेट। अरे दोस्तों रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का पॉइंट है अगेंस्ट एनी पर्सन, जो कोर्ट है वो हैबियस कॉर्पस के तहत किसी भी व्यक्ति को
ऑर्डर जारी कर सकता है, वो पब्लिक अथॉरिटी हो, या प्राइवेट पर्सन हो, प्राइवेट अथॉरिटी हो, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रिट ऑफ हिबिस कॉर्पस आता है, बट रिट ऑफ मैंडमस, आप लिखना ओनली टू पब्लिक अथॉरिटीज, के खिलाफ है, ओनली टू पब्लिक अथॉरिटीज, रिट ऑफ मैंडमस ओनली टू पब्लिक अथॉरिटीज। देखो सवाल आ गया, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या किया जाए इसका। दोस्त बेटा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तुम मेरे साथ बने रहोगे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन भी आएगा, वो आर्टिकल 22 में आता है, जब हम वहां पर आएंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। रिट ऑफ मैंडमस के अंदर मैंने कहा ओनली टू पब्लिक अथॉरिटीज, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस टू एनी पर्सन, नंबर वन रिट ऑफ मैंडमस। नंबर टू, मैंडमस का मतलब क्या है, वी कमांड ऑर्डर, वी मतलब कौन, हम कहते हैं सुप्रीम को, सुपीरियर कोर्ट टू इंफीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुपीरियर कोर्ट टू द इंफीरियर कोर्ट कैन इश्यू रिट ऑफ मैंडमस। कब, जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, हम कहते हैं पब्लिक अथॉरिटी में कोर्ट भी आ सकता है, तो हम कहते हैं जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना ड्यूटी, जो मैंडेटरी ड्यूटी है, उसे परफॉर्म नहीं करता है, तब रिट ऑफ मैंडमस आ सकता है। जब एक पब्लिक अथॉरिटी अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तब रिट ऑफ मैंडमस आ सकता है, या जब पब्लिक अथॉरिटी ने जो ड्यूटी परफॉर्म किया है उसमें जस्टिस नहीं मिला है, तो जस्टिस को रिमूव करने के लिए रिट ऑफ मैंडमस आ सकता है। इसका एग्जाम्पल भी तुम्हें देता हूं, यू अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज ध्यान रखना, ये रिट ऑफ मैंडमस सिर्फ जो मैंडेटरी ड्यूटी है पब्लिक अथॉरिटी उसी के अंदर आ सकता है, जो डिस्क्रिशनरी पावर है, पॉइंट नंबर फाइव, डिस्क्रिशनरी पावर है पब्लिक अथॉरिटी का, उसके अंदर नहीं आ सकता है। मैं दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूं, डिस्क्रिशनरी पावर का एग्जाम्पल दे रहा हूं एंड रिट टू रिमूव डिफेक्ट इन जस्टिस का एग्जाम्पल दे रहा हूं, दोनों का कॉमन एग्जाम्पल, यू अंडरस्टैंड बेटर, और आपका चहिता एग्जाम्पल है, पिछले कई महीनों से आप उस पर लगे हुए थे, वो एग्जाम्पल है, और वो है सुशांत सिंह राजपूत केस। अब ये मर्डर या सुसाइड मैंने लिखा है, सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर रिट ऑफ मैंडमस कैसे आता है, सुन लो ध्यान से, सुनना। जब सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई में डेथ हो गया था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफी लोगों के प्रेशर के बावजूद, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, क्योंकि महाराष्ट्र में डेथ हुआ था तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो तहकीकात इन्वेस्टिगेशन किससे कराए। काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि भाई सीबीआई इंक्वायरी हो, ये हो वो हो, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सीआईडी इंक्वायरी कराई और पुलिस डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की, और उन्होंने उसे सुसाइड कहते हुए डिक्लेयर किया। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसे सुसाइड की तरह डिक्लेयर किया, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डिस्क्रिशनरी पावर में आया था, उनको कोई कुछ नहीं कह सका, तो फिर एक रिट फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में, ये कहते हुए कि भैया सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो सुसाइड डिक्लेयर हुआ है उससे उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, जस्टिस में डिफेक्ट है, आप प्लीज मैंडेटरी के तहत ये ऑर्डर जारी करो, जस्टिस ना मिलने के कारण अब रिट ऑफ मैंडमस जारी करो कि भाई आप सीबीआई इंक्वायरी हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया और वहां पर उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी वहां पर अनाउंस की। कहने का मतलब क्या है, रिट ऑफ मैंडमस कैन बी डिक्लेयर्ड इन टू केसेस। नंबर वन, जब एक पब्लिक अथॉरिटी की मैंडेटरी ड्यूटी वो परफॉर्म ना करे, एंड नंबर टू, टू रिमूव डिफेक्ट इन जस्टिस। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सेकेंड कैटेगरी में, टू रिमूव डिफेक्ट इन जस्टिस में, ये रिट ऑफ मैंडमस जारी हुआ था। मैंडमस मतलब क्या, कमांड ऑर्डर। आई होप ये पांच पॉइंट रिट ऑफ मैंडमस के सबको क्लियर है। पहला पॉइंट क्या है, मैंडमस हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज की होता है, उसका मीनिंग है टू ऑर्डर, टू कमांड, जब एक पब्लिक अथॉरिटी अपना ड्यूटी परफॉर्म ना करे, एंड टू रिमूव डिफेक्ट इन जस्टिस होता है, उसके बाद ये डिस्क्रिशनरी पावर के अगेंस्ट नहीं होता है। अगर सबको समझाए तो थम्स अप करो क्विकली। रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस हो गया, रिट ऑफ मैंडमस हो गया। आगे बढ़ते रिट ऑफ प्रोहिबिशन में, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, में मैं आपको वहां पे कहूंगा मीनिंग लिखना, टू फोरबिड। प्रोहिबिशन मतलब क्या, टू फोरबिड, टू बैन, नॉट टू अलाउ, टू फोरबिड। तो हम कहते हैं ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब आता है, भाई थम्सअप करने में कंजूसी मत करो, थम्सअप करते रहो ताकि मुझे भी समझेगा आप मेरे साथ हो। टू फोरबिड हम कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और हम कहते हैं रेट ऑफ प्रोहिबिशन में, दोस्तों देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर आप मैराथन में हो और मान लो कोई पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपको कोई पॉइंट फिर से देखना है,
तो भाई मैराथन होने के बाद आप घर में जाके आराम से उस पॉइंट पर आके फिर से रिपीटेशन में सुन सकते हो, और सुनने के बाद आपको समझा, अच्छी बात है, नहीं समझा तो अंत में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिस पर आप मुझे कमेंट कर देना। बट अभी जो पॉइंट मेरा हो चुका है वो होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो पिछले पॉइंट का क्वेरी आप रिवर्स करके देख लेना लेक्चर होने के बाद, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना बाद में। अब मुझे आगे बढ़ना है। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन में हम कहते हैं इट इज फोरबिड एंड इट इज इश्यूड टू प्रोहिबिट टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग और सूट दैट इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन। जब एक कोर्ट के अधिकारों के बाहर, ज्यूरिसडिक्शन के बाहर कोई प्रोसीडिंग आता है, सूट आता है, उसमें रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी होता है। हम कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन ऑलवेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग, ऑलवेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग। ध्यान रखना, रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्टेरियोरी जो हम इसके बाद देखेंगे, दोनों में स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो दोनों का डिफरेंस भी मैं लिख के दे रहा हूं। बट पहले रिट ऑफ प्रोहिबिशन हम कहते हैं टू फोरबिड, नंबर वन। नंबर टू, वी कैन से दिस रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यूड टू पब्लिक अथॉरिटीज, हम कहते हैं। देन नंबर थ्री, वेन एवर द अथॉरिटी परफॉर्म्स आउटसाइड इज ज्यूरिसडिक्शन, तब ये रिट आएगा रिट ऑफ प्रोहिबिशन। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग आना चाहिए, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, अगर ये चार पॉइंट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन में। तो रिट ऑफ सर्टेरियोरी क्या है वो समझाने के लिए मैं चाहूंगा आप पहले रिट ऑफ प्रोहिबिशन और सर्टेरियोरी के डिफरेंस लिखो, फिर रिट ऑफ सर्टेरियोरी आपको समझेगा। तो आपके नोट्स में वहां पर लिखना, एक जगह पे प्रोहिबिशन लिखो, एक जगह पे सर्टेरियोरी लिखो। अब प्रोहिबिशन में हम कहते हैं वहां पर सबसे पहले आएगा प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन में इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर, बिकॉज ये प्रिवेंशन इज बेटर इन क्योर के अंदर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव इन नेचर। बट सर्टेरियोरी हम कहते हैं प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। मतलब क्या भाई, हम डिस्कस करेंगे रिट ऑफ सर्टेरियोरी में भी जो सुपीरियर कोर्ट होता है वो जब सर्टेरियोरी का रिट देता है तो वो क्यूरेटिव इन नेचर का भी रिट जारी करेगा, ऑर्डर। मतलब क्या मैं बताऊंगा। देन नंबर टू, प्रोहिबिशन का मतलब है टू फोरबिड, सर्टेरियोरी का मतलब है टू बी इन्फॉर्म्ड, टू सर्टिफाई। देन नंबर थ्री, प्रोविजन हम कहेंगे बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग, कोर्ट का प्रोसीडिंग कंप्लीट होने से पहले ये रिट इश्यू हो सकता है। एक बार फैसला आ गया तो रिट ऑफ प्रोविजन आएगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग, बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स हम रिट ऑफ सर्टेरियोरी में कहते हैं, पॉइंट नंबर थ्री में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग, कोर्ट का फैसला आने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स जनरली। देन रिट ऑफ प्रोहिबिशन इश्यूड टू लोअर कोर्ट, कोर्ट्स ऑब्लिक ट्रिब्यूनल एंड सर्टेरियोरी वी कैन से इश्यूड टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हम कहते हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एक्सेप्ट नहीं कहेंगे, एक काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एग्जाम्पल आरओसी ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस प्रोहिबिशन एंड सर्टेरियोरी इन दिस वे। प्रोहिबिशन का पॉइंट प्रिवेंटिव इन नेचर है, कैसे भैया, अगर गलत ज्यूरिसडिक्शन में केस चला गया कोर्ट के अंदर, तो वहां पर कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी करके वो कोर्ट को कह सकता है भैया आप इस केस के अंदर आगे बढ़ नहीं सकते, यू हैव टू शिफ्ट द केस। टू फोरबिड, टू स्टॉप द कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स, टू फोरबिड बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड इश्यूड टू लोअर कोर्ट्स ऑब्लिक ट्रिब्यूनल बाय द सुपीरियर कोर्ट्स, रिट ऑफ प्रोहिबिशन के चार पॉइंट। रिट ऑफ सर्टेरियोरी क्या होता है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यू अंडरस्टैंड। सब लोग सुनो, हम लोग सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में, हाईकोर्ट का एक पावर देखते हैं, हाईकोर्ट का पावर, पावर ऑफ रिविजन। रिविजन में हम कहते हैं जब एक लोअर कोर्ट का कोई फैसला प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत पास नहीं हुआ है और वहां पे अपील करने का कोई अधिकार नहीं है, तो हाई कोर्ट कैन इंटरवीन ऑन इट्स ओन, और उनके पास एप्लीकेशन आने पर, और हाई कोर्ट
उस पर्टिकुलर कोर्ट को कह सकता है कि आपने जो फैसला पास किया गलत पास किया है, आप वो फैसला हमारे पास ट्रांसफर करो। सर्तियोरी में जो ऑर्डर आता है उसमें सिर्फ प्रिवेंटिव नेचर में आता है, फैसला गलत है तो उसे रोकने के लिए नहीं आएगा, वो फैसला सही करने के लिए, फैसले को रिवाइज करने के लिए कोर्ट अपने हाथ में वो केस ले सकता है। प्रोहिबिशन में जो सुपीरियर कोर्ट ये ऑर्डर जारी करता है, प्रोहिबिशन में वो केस अपने पास ट्रांसफर नहीं कराता है, केस अपने पास ट्रांसफर नहीं कराता है। सर्तियोरी में कोर्ट के पास राइट है उस केस में फैसला जो गलत हुआ है उसको सही कराने का, और इसलिए सर्तियोरी में हम कहते हैं कोर्ट का जो सर्तियोरी ऑर्डर होता है वो प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव इन नेचर होता है। अरे बोलो भाई, प्रिवेंटिव इन नेचर एंड प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव नेचर में डिफरेंस समझाया गया, दोनों में डिफरेंस समझाया गया, तो ओके लिखो इस बार ओके। अगर समझा है प्रिवेंटिव नेचर एंड प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, क्यूरेटिव में वो फैसला अपने पास फिर से ट्रांसफर किया जा सकता है उस पर्टिकुलर केस को, और कोर्ट फैसला खुद देगा, सुपीरियर कोर्ट फैसला खुद देगा। अगर आपको समझा है सर्तियोरी में और प्रोहिबिशन में डिफरेंस, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, तो प्लीज कमेंट करो ओके बोल के। ये डिफरेंसेस आपको प्रिवेंटिव एंड सर्तियोरी में हेल्प करेगा लिखने में। इसलिए हम कहते हैं सर्तियोरी में हम कहते हैं जब क्यूरेटिव क्या होता है, जब वो कोर्ट ने इनवैलिड लॉ के तहत अपना ऑर्डर पास किया है विदाउट द ज्यूरिडिक्शन है, एरर ऑफ लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया है, तब ये सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट को सर्तियोरी इशू कर सकता है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को सर्तियोरी दे सकता है क्यूरेटिव इन नेचर, बट प्रोविजन में क्यूरेटिव नहीं आएगा, सिर्फ प्रिवेंशन आएगा। तो हमारे कितने रिट्स हुए कमेंट करो मुझे, कितने रिट्स हुए, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर विद मी, कितने रिट्स हो गए हमारे बोलो, कितने रिट्स हो गए बोलो, कितने रेट्स हो गए? यस करेक्ट, 4 रेट्स हुए हमारे, और जो 4 रेट्स हुए उसमें पहला है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, सेकंड है रिट ऑफ मैंडमस, थर्ड है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, फोर्थ है रिट ऑफ सर्तियोरी। प्रोहिबिशन और सर्तियोरी में डिफरेंस भी मैंने यहां पर लिखकर दिया है, किस तरह से आपको एग्जाम में सवाल आने पर लिखना है। और जो फिफ्थ पॉइंट है रिट ऑफ को वारंटो, ना हम क्वेश्चन कैसे आएगा उस तरह से भी पढ़ रहे, सिर्फ नॉलेज गेन नहीं करे, क्वेश्चन के अनुसार पढ़ रहे। रिट ऑफ को वारंटो क्या है? रिट ऑफ को वारंटो में हम अक्सर कहते हैं, रिट ऑफ को वारंटो में ध्यान सुनना, को वारंटो का पहले मीनिंग लिखना वहां पे, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, क्या अधिकार है, हम कहते हैं ना भाई तू कौन है भाई, क्या अधिकार है तेरे पास, वैसे ही को वारंटो के तहत आता है। एक पब्लिक ऑफिस जो बंदा होल्ड कर रहा है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स इज होल्डिंग ऑफिस, ये रिट ऑफ को वारंटो के तहत आता है। मतलब क्या? क्वेश्चन आस्ट टू द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। इसका एक एग्जांपल दे दो, देखो भाई लालू प्रसाद यादव जब चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तो उनके ऊपर एक कोर्ट में केस चल रहा था चारा घोटाला, उनके ऊपर जो कोर्ट में केस चल रहा था उसमें वो दोषी पाए गए, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब वो दोषी पाए गए। अब वो चीफ मिनिस्टर थे, कोर्ट के अंदर गिल्टी प्रूव हुए, फिर भी वो चीफ मिनिस्टर बने हुए थे, तो उनको एक सवाल पूछा गया, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू होल्डिंग द ऑफिस, भैया तुम एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो, और पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो और तुम्हें कोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ है, फिर भी तुम पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर होल्डिंग ऑफिस, रिट ऑफ को वारंटो, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर होल्डिंग ऑफिस। सो क्वेश्चन इज आस्क्ड, नंबर वन टू द पर्सन इज होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, टू द पर्सन इज होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, मतलब को वारंटो प्राइवेट ऑफिस में नहीं आएगा, इट इज ओनली फॉर पब्लिक ऑफिस, नंबर वन, एंड नंबर टू रीजन बताना है ऑन व्हाट ग्राउंड्स इज होल्डिंग ऑफिस। जब लालू प्रसाद वो रीजन नहीं बता पाया, उनको रिजाइन करना पड़ा, और राबड़ी देवी, अगर आपने सुना होगा राबड़ी देवी उस केस में क्या हुई थी, चीफ मिनिस्टर हुई थी बिहार की, बिकॉज लालू प्रसाद वॉज प्रूवन गिल्टी, ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर, बट उनको रिजाइन करना पड़ा और राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बन गई थी। तो वी कैन से रिट ऑफ को वारंटो पब्लिक ऑफिस को लेकर है। टू एक्सप्लेन ऑन व्हाट ग्राउंड्स इज होल्डिंग ऑफिस, रिट ऑफ को वारंट इज नॉट इशूड टू प्राइवेट पर्सन्स और व्हेन अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल टू एनी पर्सन, मतलब रिट ऑफ को वारंटो प्राइवेट पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है। आई होप रिट ऑफ को वारंटो सबको क्लियर है। एग्जाम्पल चौथा आएगा लालू यादव का। ओके सो व्हाट वी हैव कंप्लीटेड सो फार, लेट मी सी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहां तक पहुंचे। दोस्तों अगर मैं इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो नोट्स दिए आपको उस नोट्स के फर्स्ट पेज पर आता हूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है वो सब मैंने वहां पर फर्स्ट पेज पर दिया है, जिसमें आप देखना हमने प्रीएम्बल देख लिया,
हमने स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखा, हमने इसके बाद नीचे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज देख लिए, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडमस प्रोहिबिशन, सर्टिटूड को वारंटो, ये देख लिया हमने, ये पॉइंट्स सारे देख लिए। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स है, क्या है आर्टिकल्स, वो पढ़ने हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, रिट, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, सब देख लिया। अब आर्टिकल्स में बढ़ते हैं, आर्टिकल्स में ये जो आर्टिकल 13 है ना, उसके चार्ट में आओ, आर्टिकल 13 के चार्ट में आओ। अगेन चार्ट पैटर्न में मैं आपको सिंपल तरीके से समझा दूंगा, पेज नंबर 23 आपके नोट्स के, पेज नंबर 23 पर आप आ जाओ सब लोग, वहां पे उसका चार्ट दिया। और पेज नंबर 23 पर आप आओगे तो वहां पर जो आर्टिकल 13 के तहत आप देखना जो चार अलग अलग पॉइंट्स दिए उसको लेकर हमें डिस्कस करना है वन बाय वन। इसमें काफी केस स्टडीज है जो मैं आपको बताऊंगा, आपको वहां पे लिखना है केस स्टडीज का, सिर्फ नाम लिखना है, केस स्टडीज में आपको समझा दूंगा आर्टिकल 13 में। एक मिनट में पानी पी लेता हूं। आर्टिकल 13 में फर्स्ट है सेवरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी का ऊपर आप देखते हो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल, व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, नोट्स के शायद पेज नंबर 23 पर है, नीचे जो मार्जिन में दिया, पेज राइट हैंड साइड नीचे मार्जिन में, ऑन योर नोट्स राइट हैंड साइड में जो नीचे पेज दिया वो पेज नंबर रेफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन का पेज नंबर 21 है, बट ओवरऑल नोट्स का पेज नंबर 23 है। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या, पहले मैं समझा रहा हूं, समझ लो, उसके बाद हम वहां पे देखते हैं कुछ एक दो केस का रेफरेंस मुझे देना। हम कहते हैं देखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल लॉस, तो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले अगर कोई लॉ बना होगा, कोई एग्जिस्टिंग लॉ होगा, और वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए जो आर्टिकल्स है उनके कॉन्फ्लिक्ट में अगर है, कोई एग्जिस्टिंग लॉ था कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट में है तो ऐसे लॉ को वॉइड माना जाएगा। उस लॉ के अंदर कोई एक पार्ट है, लॉ के अंदर कोई एक सेक्शन प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट में है, तो सिर्फ उतना पार्ट जो कॉन्फ्लिक्ट में उतना वॉइड होगा, पूरा लॉ वॉइड नहीं होगा, जो पार्ट कॉन्फ्लिक्ट में उसको सेपरेट करना है और बचा हुआ लॉ वैलिड माना जाएगा। मैंने आपको बताया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहता है एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है। जब एक एक्ट के अंदर, जब एक लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले कोई पर्टिकुलर प्रोविजन है, क्लॉज है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के कॉन्फ्लिक्ट में है, तो वो प्रोविजन और वो पार्ट को वॉइड माना जाएगा और उस पार्ट को बचे हुए पूरे लॉ से अलग किया जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, दैट इज सेपरेशन, ये उसका मतलब है। इसका एक केस स्टडी है वो भी मैं बताऊंगा, आप मेरे साथ वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में पहले सवाल आने पर क्या लिखना है वो देखना, समझना जरूरी है। दोस्तों ध्यान रखना, हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं सीख रहे, एग्जाम में सवाल आने पर क्या पॉइंट्स लिखने हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहो। हम कहते हैं पहले एग्जिस्टिंग लॉज इनकंसिस्टेंट, ऐसे लिखो इनकंसिस्टेंट, इधर आएगा इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, कॉन्फ्लिक्ट, इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स द आर्टिकल्स, देन द लॉ इज, दिस लॉ इज वॉइड इफ द इनवैलिड पार्ट ऑफ सच लॉ इज सर्व कर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड सीवियर्ड, डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड सीवियर्ड, इनवैलिड पार्ट ऑफ सच लॉ डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड सीवियर्ड, सीवियर्ड का मतलब क्या है, सेपरेटेड। एंड फोर्थ पॉइंट आप लिखना है, इफ इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इफ इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इफ इट कैन नॉट बी सेपरेटेड एंटायर एंटायर एक्ट इज इनवैलिड, इफ इट कैन नॉट बी सेपरेटेड एंटायर एक्ट इज इनवैलिड, एंटायर एक्ट इज इनवैलिड। भैया जो इनवैलिड पार्ट को हम अगर उस लॉ से सेपरेट कर सकते तो अच्छी बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पर अगर इनवैलिड पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकते तो पूरा पूरा एक्ट ही इनवैलिड है, ये पॉइंट नंबर 4 आएगा। एंड पॉइंट नंबर 5 आपको लिखना है केस स्टडी का नाम, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट,
एक ये गोपालम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, अब ये केस क्या है और ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी में क्यों आता है पहले समझो प्लीज। ये केस लॉ आपको एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, इसलिए मैं केस लॉ जो बता रहा हूं प्लीज पहले समझो, प्लीज पहले समझो व्हाट इज दिस। मैं ये केस लॉ आपको बताऊं, उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बोलो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको लेकर है, कमेंट करो क्विकली आर्टिकल 14 कमेंट करो किसको लेकर है। क्विकली कमेंट करो आर्टिकल 14 किसको लेकर है, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। किसको लेकर है, इक्वालिटी, यस करेक्ट, इक्वालिटी को लेकर है, राइट ऑफ इक्वालिटी राइट। अब ये राइट ऑफ इक्वालिटी को लेकर यहां पे रेफरेंस आया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में, क्या हुआ ध्यान सुनो, ये जो एके गोपालन है, राइट ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वेरी गुड। अब ये केस लॉ क्या है, एके गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत, कौन से एक्ट के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था। एके गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर एक सेक्शन था सेक्शन 14 जो कहता था कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है तो वो व्यक्ति को कोई राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, वो व्यक्ति कोर्ट में जा नहीं सकता है, अपना कोर्ट को रीजन नहीं दे सकता है कि भैया मुझे डिटेन किया गया। ये सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में दिया हुआ था कि एक डिटेन किए हुए पर्सन को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है, ना ही राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये सेक्शन 14 में दिया था। अब एके गोपालन ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत अपने डिटेंशन को इलीगल डिक्लेयर किया एक सेक्शन 14 का रेफरेंस देते हुए कोर्ट में, और उसने कोर्ट में कहा माय लॉर्ड मुझे जो डिटेन किया है वो गलत किया है, बिकॉज सेक्शन 14 जो है वो आर्टिकल 14 के साथ, आर्टिकल 14 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, आर्टिकल 14 मुझे राइट ऑफ इक्वलिटी देता है, आर्टिकल 14 मुझे राइट ऑफ इक्वलिटी देता है, मुझे अगर आर्टिकल 14 है राइट ऑफ इक्वलिटी, एट द सेम टाइम आर्टिकल 22 जो क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो मुझे अधिकार देता है कि मैं राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हूं, आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन मुझे राइट है कि मेरे डिटेंशन के खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊं, मुझे लॉयर अपॉइंट करने का राइट है, और इनका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कहता है कि आपको ऐसा कोई राइट नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट में है और इसलिए पूरा एक्ट ही इनवैलिड है, अगर एक्ट इनवैलिड है तो मेरा अरेस्ट इलीगल है। जब कोर्ट ने एके गोपालन के केस को पढ़ा समझा तो कोर्ट को लगा कि एके गोपालन का जो अरेस्ट था वो लीगल था, बिकॉज एके गोपालन वॉज इन्वॉल्व इन सम इलीगल वर्क, एके गोपालन वॉज इन्वॉल्व इन सम इलीगल वर्क, उसका अरेस्ट लीगल था। तो कोर्ट ने कहा देखो भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत तुम्हारा जो डिटेंशन है वो लीगल है, जिस सेक्शन 14 की तुम बात कर रहे हो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत वो सिर्फ आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट में है, तो उस सेक्शन को हम अलग कर देते हैं, बाकी पूरा तुम्हारा डिटेंशन लीगल है, सेक्शन 14 वाज सेपरेटेड एंड डिटेंशन वाज अलाउड, सेक्शन 14 को सेपरेट किया गया मतलब एके गोपालन को राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी में कोर्ट ने डिटेंशन को इलीगल डिक्लेयर किया क्या, नहीं, उस पर्टिकुलर सेक्शन को सेपरेट किया और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को वैलिड करा दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी। अगर समझाए तो थम्स अप करो, समझे तो थम्स अप करो। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अक्सर स्टूडेंट्स को इस डॉक्ट्रिन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने वो केस लॉ के साथ समझा है। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अगर आपको समझा है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में और सेवरेबिलिटी में फर्क समझ, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को लेकर भी अगेन एक बहुत ही अच्छा केस है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के लिए आप केस लिखना, जैसे हमने सेवरिटी के लिए केस लिखा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में नीचे केस लिखना, वहां पे सब लोग भीका जी यस करेक्ट साथे नायक, भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के लिए केस है। पहले मैं केस बताता हूं, भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उसके बाद आप डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर समझेगा। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, इसमें मतलब शैडो। अब ध्यान रखना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मदर ऑफ ऑल लॉज 1950 में आया, तो 1950 से पहले जितने भी लॉज थे अगर वो लॉज वो एक्ट
वो लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट में होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उस लॉ पर इक्लिप्स रहेगा, इक्लिप्स मतलब शैडो रहेगा, बिकॉज लॉ कैन नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ विल बी वॉइड। तब तक इक्लिप्स रहेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट ना आए, और अमेंडमेंट आकर उस पर्टिकुलर लॉ को जो इनवैलिड था वो अमेंडमेंट के कारण अब वैलिड बन जाए, तब तक वो इक्लिप्स और शैडो बना रहेगा। तो भिखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में क्या हुआ था सुन लो, 1947 का एक एक्ट था मोटर व्हीकल्स एक्ट मध्य प्रदेश में, जिसके तहत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने वहां का जो रोड ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट का पूरा अधिकार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने पास रखा था, कंट्रोल वॉज केप्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। 1947 का एक्ट था, 1947 का एक्ट था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रोड ट्रांसपोर्ट के सारे अधिकार किसके पास रखे थे, स्टेट के पास रखे थे, अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। भैया वो राइट था, 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट किसके कंट्रोल में था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद गारंटीड फंडामेंटल राइट में हमें एक राइट मिलता है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन। तो कुछ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने जब मध्य प्रदेश में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने की कोशिश की तो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें कह दिया सॉरी आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज 1947 के एक्ट के तहत रोड ट्रांसपोर्ट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो वहां पर जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा सॉरी 1947 के एक्ट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल बोलो 19G जो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड ऑफ प्रोफेशन कहता है, तो इसलिए 1947 का एक्ट क्या होगा, इक्लिप्स में रहेगा, 1947 के एक्ट पे इक्लिप्स रहेगा, शैडो रहेगा। और अब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स वाले भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में आ सकते हैं क्योंकि उस पर इक्लिप्स आ जाएगा 1947 के एक्ट में। आगे जाकर क्या हुआ ध्यान सुनो, अब गवर्नमेंट ने अपने इस अधिकार को ना छीनने के लिए आगे जाकर गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा लिया, और फ्रीडम टू प्रैक्टिस इन ट्रेड और प्रोफेशन के हमने आज एक्सेप्शन में देखा, आज ही देखा एक्सेप्शन में, अगर कोई ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस स्टेट के कंट्रोल में है तो वहां पर फ्रीडम टू प्रैक्टिस ट्रेड और ऑक्यूपेशन नहीं आएगा। तो ये अमेंडमेंट भिखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के कारण हुआ था। मतलब क्या, हम कहते हैं जिस एक्ट पर पहले इक्लिप्स था कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, जब वो अमेंडमेंट आ गया तो इक्लिप्स हट गया और फिर से वो एक्टिव हो गया। अरे बोलो भाई, अगर जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझा है तो जेएमडी बोलो, तो फिर ये पॉइंट मार्क करके देता हूं क्या लिखना है। जीएमडी बोलो भाई, थम्सअप मत करो भाई, जीएमडी बोलो। यस, तो अब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में जब शॉर्ट नोट आता है तो क्या लिखना है, एंटायर एग्जिस्टिंग लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, एंटायर एग्जिस्टिंग लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, लॉ विल बी इन ऑपरेटिव, मतलब क्या, नॉट इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया 1947 का एक्ट पर इक्लिप्स आ गया, 1947 के एक्ट पे इक्लिप्स आ गया, इट रिमेन डॉर्मेंट, एक्ट रिमेन्स डॉर्मेंट एंड इफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड इट बिकम्स एक्टिव अगेन, ये पॉइंट नंबर 4 होगा। एंड पॉइंट नंबर 5 आपको लिखना है, सिर्फ लिखना है केस लॉ भिखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, केस लॉ एक्सप्लेन नहीं करना है, केस लॉ एक्सप्लेन नहीं करना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आपको समझ में आ गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट्स में आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट्स में भी उस केस लॉ का नाम लिख लो वहां पर आप, अब लिखना बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमीशन, सेवरेबिलिटी इज बोथ फॉर एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर लॉज, सेवरेबिलिटी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है वहां पे सेवरेबिलिटी, इक्लिप्स ओनली फॉर एग्जिस्टिंग लॉज, स्पर्श इक्लिप्स ओनली फॉर एग्जिस्टिंग लॉज, दैट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, एंड सेवरेबिलिटी प्री एंड पोस्ट दोनों के लिए आप लिख सकते हो चाहो तो, सेवरेबिलिटी प्री एंड पोस्ट, इक्लिप्स ओनली फॉर प्री, ओके अब डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट्स क्या कहते हैं,
यहां पर बशेश्वर नाथ के केस में देखो, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स है, वो उसे वेव नहीं कर सकता, वो उसे वेव नहीं कर सकता, भले ही आर्टिकल 13 कहता है एवरी पर्सन हैज अ लिबर्टी, एवरी पर्सन हैज अ लिबर्टी टू यूज और नॉट हिज राइट गिवन बाय स्टेट, स्टेट के नॉट फोर्स हिम टू एंजॉय हिज राइट्स, वोटिंग राइट, अगर किसी को वोट नहीं देना है फोर्स नहीं हो सकता है। बट वहां पे नीचे पॉइंट नंबर 4 आप लोग लिखना, पॉइंट नंबर 4 वहां पे लिखना, सिटीजन्स कैन नॉट वेव, सिटीजन्स कैन नॉट वेव फंडामेंटल राइट्स। और यही पॉइंट नंबर 4 पर बशेश्वर नाथ का केस है वर्सेस इनकम टैक्स कमीशन का, बशेश्वर नाथ का केस एग्जैक्टली इसी के ऊपर है। अब व्हाट वाज द केस, पहले समझो बशेश्वर नाथ का केस क्या था। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन एक्ट जो था 1955, इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन एक्ट के तहत, एक इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन एक्ट को ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने वॉइड करा दिया था। बशेश्वर नाथ का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इन्वेस्टिगेशन में उसके पास जो इन्वेस्टिगेशन कमीशन था इनकम टैक्स का, उनको कुछ कंसील्ड इनकम मिला, तो बशेश्वर नाथ ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा, दोस्त मतलब माय लॉर्ड, जो कंसील्ड इनकम है उसके ऊपर जो भी पेनल्टी है मैं देने के लिए रेडी हूं, आप प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे से सेटलमेंट कर दो। तो इनकम टैक्स कमीशन ने बशेश्वर नाथ को 3 लाख का अमाउंट पेनल्टी के फॉर्म में लगाया, 3 लाख रुपए देने के लिए कहा, और कुछ पेनल्टी का अमाउंट उसे ईएमआई में देने का परमिशन दिया, इंस्टॉलमेंट्स में देने के लिए कहा। अब ध्यान रखना, बशेश्वर नाथ जिस सेटलमेंट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ सेटलमेंट करता है, वो जो एक्ट है उस एक्ट को ही आर्टिकल 14 ने इनवैलिड, इलीगल माना था, बिकॉज सेटलमेंट अलाउड नहीं है, ऐसा आर्टिकल 14 कहता है। क्यों? अरे भाई, जिसने ब्लैक इनकम कमाया है उसके साथ सेटल कर रहे हो, और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसको आप और टैक्स रिकवर कर रहे हो, तो इसके तहत आर्टिकल 14 के तहत वो सेटलमेंट वाला एक्ट ही इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था। सब लोग है ना मेरे साथ, सेटलमेंट वाला एक्ट ही इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था। अब हुआ क्या, जब सेटलमेंट वाला एक्ट इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, सेटलमेंट वाला एक्ट जब इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, तो इस केस में बशेश्वर नाथ ने अपने आप को बचाने के लिए जब उसने सेटलमेंट किया और आगे जाकर जब वो ईएमआई दे नहीं पाया, तो वो इनकम टैक्स कमीशन के खिलाफ कोर्ट में गया और कहने लगा, माय लॉर्ड, मेरे साथ जिस एक्ट के तहत सेटलमेंट किया गया वो एक्ट ही उस केस में क्या है, इनवैलिड है, तो मेरा ये सेटलमेंट इनवैलिड है। इनकम टैक्स कमीशन ने कोर्ट में कहा, माय लॉर्ड, हम उसके पास सेटलमेंट करने नहीं गए थे, वो वॉलेंटरीली अपने पास सेटलमेंट के लिए आया था और उसने खुद अपना फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी छोड़ दिया था और वो सेटलमेंट करने के लिए रेडी था। कोर्ट ने कहा, भले उसने फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी खुद रिलीज किया था, वेव किया था, कोई भी सिटीजन अपना फंडामेंटल राइट वेव नहीं कर सकता है, तो जिस सेटलमेंट एक्ट को हमने पहले ही वॉइड करार दिया है, ये सेटलमेंट हम नहीं मानते हैं, और बशेश्वर नाथ अपना राइट ऑफ इक्वलिटी वेव नहीं कर सकता है, और इस केस में वो फिर से रिस्टोर किया गया और उस ऑर्डर को, सेटलमेंट ऑर्डर को खारिज किया गया। आई होप सब लोग है मेरे साथ। यहां पर वेवर ऑफ राइट्स में जो मैं बताया, सिटीजंस कैन नॉट वेव एनी फंडामेंटल राइट्स, इसका केस लॉ क्या है, बशेश्वर नाथ वर्सेस बोलो भाई, बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमीशन। अरे सब लोग है ना भाई, कितने डॉक्ट्रिन्स हो गए हमारे, कितने डॉक्ट्रिन्स हो गए, 3 डॉक्ट्रिन्स हो गए। तीनों डॉक्ट्रिन्स अगर क्लियर है तो 3 थम्सअप करो, कोई सवाल है तो कमेंट करो क्विकली। साकेत, व्यू ऑफ सिटीजंस वाज अगेंस्ट व्यू ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यस वही बताया मैंने बेटा, कितने डॉक्ट्रिन्स हो गए वो कमेंट करो। 3 डॉक्ट्रिन्स हुए तो 3, 2 हुए तो 2 कमेंट, 2 थम्सअप फटाक से। अरे भाई करते रहो, मतलब बने रहोगे, एक्टिव रहोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट डॉक्ट्रिन में, एंड नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है सिंगल पर्सन लॉ। कौन सा लॉ है, सिंगल पर्सन लॉ। नाउ व्हाट इज सिंगल पर्सन लॉ, प्लीज समझना सब लोग, सिंगल पर्सन लॉ क्या है। ये जैसे हमारा सिंगल पर्सन लॉ हो जाएगा, उसके बाद आई लीव द फोरम टू यू, आर्टिकल 14 डिस्कस करना, आर्टिकल 21 डिस्कस करना, उसके बाद आपके कमेंट्स और आपके डाउट्स में लूंगा फटाक से कॉन्स्टिट्यूशन में। सिंगल पर्सन लॉ क्या है, ध्यान सुनना,
ये कहता है अगर कोई कानून बनता है आर्टिकल 14 के तहत राइट ऑफ इक्वलिटी सबके लिए बने, बट गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 13 के तहत कोई सिंगल व्यक्ति को सिंगल पर्सन के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार है इन सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सिंगल पर्सन लॉ बन सकता है। लॉ इज एप्लीकेबल टू अ सिंगल पर्सन, इट इज वैलिड टू बी ट्रीटेड एज क्लास बाय हिमसेल्फ, इट इज वैलिड एंड ट्रीटेड टू बी क्लास बाय हिमसेल्फ। मतलब क्या, जो सिंगल पर्सन लॉ का केस है वहां पर जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं वो कौन से केस को लेकर, आप लिखना केस का नाम चरणजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सिंगल पर्सन लॉ क्या था, ध्यान सुनना, छोलापुर में एक स्पिनिंग एंड वीविंग मिल थी और स्पिनिंग और वीविंग मिल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे उन्होंने उस स्पिनिंग और वीविंग मिल जो कॉटन बनानी थी बना दी थी उसके अंदर उन्होंने कुछ फ्रॉड किया। अब फ्रॉड करने के बाद मैनेजमेंट को बर्खास्त किया गया बट कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद हो गई तो सोलापुर में काफी लोगों की रोजी रोटी क्या हो गई, अफेक्ट हो गई और जो एसेंशियल कमोडिटी था कॉटन उसका भी प्रोडक्शन रुक गया। तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े और एसेंशियल कमोडिटी का प्रोडक्शन बना रहे इसलिए एक नया कानून पास किया, नया एक्ट पास किया, सोलापुर स्पिनिंग वीविंग मिल्स इमरजेंसी एक्ट 1955। और उस स्पिनिंग और वीविंग मिल का कंट्रोल एक गवर्नमेंट बॉडी के हाथ में दिया और शेयरहोल्डर्स के सारे पावर्स छीन लिए। जब ऐसा हुआ तो चंजीत लाल जो एक शेयरहोल्डर थे वो कोर्ट में गए और उन्होंने आर्टिकल 14 का रेफरेंस दिया और कहा कि किसी भी कंपनी में शेयरहोल्डर्स के पास पावर होता है टू टेक द राइट होता है टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग, बट हमारी कंपनी में हमारे पास कोई राइट नहीं है तो ये आर्टिकल 14 का ब्रीच है। कोर्ट ने चरणजीत लाल के उस अपील को डिसमिस कर दिया ये कहते हुए कि गवर्नमेंट के पास राइट है इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अ लॉ कैन बी मेड एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर पर्सन एंड दैट लॉ विल बी ट्रीटेड एज अ क्लास बाय हिमसेल्फ, और इसलिए भले तुम्हारे इस पर्टिकुलर केस में तुम शेयरहोल्डर हो ये इमरजेंसी सिचुएशन में बनाया हुआ एक्ट है तो गवर्नमेंट ने ये जो राइट तुमसे छीना है ये सही है बिकॉज दिस इज अ सिंगल पर्सन लॉ, यू कैन नॉट कंपेयर दिस विद अदर कंपनीज शेयर होल्डर्स। आई होप सिंगल पर्सन लॉ सबको समझा है। मैं वेवर ऑफ राइट्स में इतना ही कहूंगा जिन्होंने पूछा है, राइट्स कैन बी वेव्ड बाय सिटीजन बट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड बाय सिटीजन। सिटीजन के पास राइट है कौन सा, लिबर्टी है कौन सा राइट यूज करना है कौन सा राइट यूज नहीं करना है, बट फंडामेंटल राइट्स को वेव करने का अधिकार नहीं है ये कानून कहता है। अरे बोलो भाई, चारों डॉक्ट्रिन्स हो चुके हैं।